हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू फ्रेश न्यू वीडियो। तो आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आपको प्रोटीन क्यों ज़्यादा खाना चाहिए जब आप बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन मतलब यहाँ पे कोई मसल्स गेन करना चाहता है, कोई वेट गेन करना चाहता है, कोई वेट लॉस करना चाहता है, कोई फैट लॉस करना चाहता है, कोई कटिंग करना चाहता है, स्वेडिंग करना चाहता है, चाहे जो भी हो, आप जब बॉडी ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको अपने डाइट पे ज़्यादा प्रोटीन लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप प्रोटीन नहीं लेंगे तो बहुत सारा इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेगा जो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। सो नंबर वन रीज़न ये कि आपके बॉडी से मसल लॉस होने से बचाता है। जो लोग फैट लॉस करते हैं, कटिंग करते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, अगर वो अपने डाइट में प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं रखेंगे तो वेट लॉस फैट लॉस के साथ साथ उनका मसल लॉस भी हो जाएगा। देखिए, प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मसल। प्रोटीन ही आपका बॉडी के मसल्स को प्रिजर्व करने में हेल्प करता है, मसल्स को बढ़ने में हेल्प करता है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, फैट लॉस करना चाहते हैं, या आपने बल्किंग किया, अभी कटिंग करना चाहते हैं, तो आपको अपने प्रोटीन को प्रॉपर अमाउंट पे रखना है। अगर आप डाइट में प्रॉपर प्रोटीन नहीं रखेंगे, आपका फैट लॉस तो होगा, वेट लॉस तो होगा, लेकिन साथ में मसल लॉस भी होगा। तो एट लास्ट आपके बॉडी में कुछ नहीं बचेगा और आप एक स्किनी बंदा हो जाएंगे। और किसी को स्किनी नहीं होना चाहिए, उससे क्या होगा, आपका बहुत सा हेल्थ इशूज आना स्टार्ट हो जाएगा। मसल्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप एट लास्ट पूरा पतला दुबला हो जाते हैं, देन इसमें फ़ायदा कि आपका बॉडी दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मसल से क्या होता है, आपका बॉडी में एक एथलेटिक लुक आता है, आपका बॉडी दिखने में बहुत अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। तो जब आप फैट लॉस करें, कटिंग करें, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, ये ध्यान में रखें कि आपके डाइट में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन हो। जितना प्रोटीन आपको बॉडी को चाहिए उतना प्रोटीन दीजिए। देखिए, हमारा जो बॉडी है, इसका मोस्ट एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट सर्वाइव करने के लिए प्रोटीन। तो जब आप फैट लॉस करते हैं, आप कैलोरिक डेफिसिट में रहते हैं, आप कैलोरीज को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो मैक्सिमम कैलोरीज आ रहा है वो थ्रू प्रोटीन, बिकॉज प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रोटीन नहीं लेंगे अपने डाइट में प्रॉपरली, आपका तो मसल लॉस होगा ही, साथ में आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएगा। सो आपको कितना प्रोटीन चाहिए, अपने बॉडी वेट को 2.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको उतना प्रोटीन चाहिए। मैं फॉर एग्जांपल पकड़ता हूँ कि आपका बॉडी वेट 70 किलो है, तो 70 किलो को 2.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको उतना प्रोटीन चाहिए। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप क्या क्या प्रोटीन ले सकते हो, इंडियन जो फैमिलीज हैं, मिल्क ले सकते हो, दाल, फिर सोया चंक्स, पनीर, टोफू, फिर आपका नट्स, ये सारी चीज़ आप कंज्यूम कर सकते हो। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, देन आप चिकन, फिश, एग्स, मीट, ये सारे चीज़ कंज्यूम कर सकते हो। सो नाउ लेट्स एक्सप्लेन द सेकंड पॉइंट। प्रोटीन आपके मसल गेनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जो लोग मसल गेन करना चाहते हैं और अगर वो अपने डाइट में सफिशियंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं लेंगे, उनका मसल गेन नहीं होगा। जैसे मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन किया कि आपका पूरा बॉडी प्रोटीन से बना हुआ है, आपका बॉडी जो बिल्ड होता है, ग्रो होता है, वो थ्रू प्रोटीन। अगर आप खाली रोटी, चावल, आलू, केला, ये सब खाएंगे तो आपके बॉडी में मसल्स गेन नहीं होगा, पानी, फैट, ये सब भरते जाएगा। और अगर आप कैलोरिक सरप्लस में रहते हैं और अपने डाइट में प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन ले रहे हैं, देन आपका मसल गेन होगा। तो आपको मसल गेनिंग के लिए कितना प्रोटीन लेना है, वो ये सेम फंडा है। आपको अपने बॉडी वेट इंटू 2.2, उतना ग्राम से यदि प्रोटीन लेते हो, आपका मसल गेन होगा। सो अगर आप मसल गेन करना चाहते हो तो अपने डाइट पे प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन रखो, कैलोरिक सरप्लस में रहो और कार्ब्स, फैट्स भी इंक्लूड करो। देखिएगा, आपका बॉडी में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, आपका मसल बहुत तेज़ी से ग्रो होगा। मैं अब आपको थर्ड रीजन एक्सप्लेन करता हूँ। प्रोटीन आपको वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जब आप वेट लॉस करना चाहते हैं, ये चीज़ आप जानते होंगे कि आपको कैलोरिक डेफिसिट में रहना पड़ेगा, आपको अपने मेंटेन से कम कैलोरीज खाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर जो फूड्स जो हाई इन कैलोरीज रहता है उनको अवॉइड करना पड़ेगा। तो अगर आप अपने डाइट में प्रोटीन इंक्लूड करते हैं तो क्या होगा, आपको कैलोरीज भी मिल रहा है, आपके मसल्स को प्रोटीन भी मिल रहा है और साथ ही साथ आप कैलोरिक डेफिसिट में रह पाएंगे, बिकॉज प्रोटीन सोर्सेज में उतना ज़्यादा कैलोरीज नहीं रहता है और आपको कैलोरिक डेफिसिट में रहने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड उससे क्या होगा, जब आप लॉन्ग टाइम तक कैलोरिक डेफिसिट में रहेंगे, आस्ते आस्ते आपका वेट लॉस होगा, फैट लॉस होगा और आपका बॉडी बहुत अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। सो जब आप वेट लॉस करते हैं, आप एक कैलोरिक डेफिसिट डाइट फॉलो करते हैं, एंड लोगों को भूख बहुत ज़्यादा लगता है, क्रेविंग्स होता है, उनको उल्टा पुल्टा चीज़ खाने को मन करता है। तो जब आपको भूख लगे तो आप क्या करना, अपने डाइट में प्रोटीन को ऐड करते रहना। प्रोटीन में बहुत कम कैलोरीज होता है और यहाँ से आपको लीन प्रोटीन मिलते रहेगा, ठीक है। तो आपको भूख भी नहीं लगेगा और आप अपने जर्नी को लॉन्ग टाइम तक फॉलो कर पाएंगे। बहुत लोग ऐसे करते हैं कि जब उनको भूख लगता है तो उल्टा पुल्टा चीज़ खा लेते हैं, जिससे उनका वेट लॉस नहीं हो पाता है। तो जब भी आपको भूख लगे तो आप
कोई प्रोटीन का सोर्स ऐड करें जिससे आपको बॉडी को प्रोटीन मिले एंड आप वेट लॉस जर्नी को फॉलो कर पाए। जब तक आप लॉन्ग टाइम तक फॉलो नहीं करेंगे, इसको एक लाइफस्टाइल नहीं बना पाएंगे, तो आप वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। दो दिन में नहीं होता, इसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है। अब मैं आपको फोर्थ रीजन एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं देन आज से अपने डाइट में ज़्यादा प्रोटीन ऐड करना स्टार्ट कर दो। क्यों? आप जब वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हो, आपका मसल्स वेरिएंट टेयर होता है, ठीक है? तो मसल्स को ग्रो करने के लिए आपको प्रोटीन देना जरूरी है। देन जब आपका मसल्स ग्रो करेगा, आपका ज़्यादा फैट लॉस होगा। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जितना ज़्यादा आपका बॉडी मसल्स रहेगा, आप उतना जल्दी फैट लॉस कर पाएंगे। आपका फैट बर्निंग प्रोसेस उतना ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। एंड जब आपके बॉडी में ज़्यादा मसल्स रहता है, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी ज़्यादा रहता है। एंड आपके बॉडी में जितना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन लेवल रहेगा, आपके बॉडी में फैट उतना ही कम रहेगा। तो समझिए कि प्रोटीन का इंपॉर्टेंस कितना है। अगर आप प्रोटीन नहीं देंगे तो आपका मसल गेन नहीं होगा, आपके मेटाबॉलिज्म फास्ट नहीं होगा, आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज नहीं होगा। तो प्रोटीन यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है, प्रोटीन से सब कुछ लिंकेज है। तो आप अपने डाइट में प्रोटीन को इंक्लूड करो और देखिएगा कि आपका कितना जल्दी फैट लॉस होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिला हो। प्रोटीन हमारे लिए कितना ज़रूरी है आपको पता ही चल गया होगा। और अगर आपके कोई दोस्त है जिसको पता नहीं कि प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देन उसको भी इस वीडियो को शेयर करना, ठीक है? और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा हो और आपको किस रिलेटेड और वीडियोज़ चाहिए। तो मैं आज वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल, प्लीज़ बाय।